हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ प्रीति। आप देख रहे हैं एग्जाम 10 यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एंशियंट हिस्ट्री का क्वेश्चन आंसर सीरीज, जिसमें आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु सभ्यता। इससे जुड़े जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे उसको हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। और फिर इसी तरह धीरे धीरे करके जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं सबके क्वेश्चन आंसर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। आइए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की गलियां थी, शहरों की गलियां कैसी थी, ठीक है। तो इसमें आप बताइए कैसी थी, चौड़ी और सीधी थी, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की गलियां कैसी थी, चौड़ी और सीधी। एक बार अगर आप लोगों ने ये क्वेश्चन आंसर सीरीज पढ़ लिया तो इसके बाद आपको कोई भी क्वेश्चन आंसर पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि इसमें जितने भी क्वेश्चन कवर हो सकते थे सभी के सभी इसमें कवर किए गए हैं, ठीक। नेक्स्ट बात करते हैं, हड़प्पा के खंडहर निम्नांकित में से किस नदी के तट पर पाए जाते हैं, हड़प्पा के खंडहर। तो इसके जो खंडहर पाए जाते हैं वो रावी नदी, हड़प्पा के खंडहर कहाँ पाए जाते हैं, रावी नदी के तट पर पाए जाते हैं, ठीक है। आइए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, मोहन जोदड़ो के खंडहर निम्नांकित में से किस नदी के तट पर पाए जाते हैं। हमारे ऑप्शंस हैं रावी, झेलम, व्यास और सिंधु। इसमें देखिए जो हमारा सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। मेरे आंसर देने से पहले आप लोग आंसर सोच लीजिए, मैं आपको 5 सेकंड का टाइम दूंगी, उसके बाद मैं आपको आंसर बताऊंगी, क्योंकि ये एक तरह से आपका प्रैक्टिस भी होगा कि आपको कितने क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। आइए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, मोहन जोदड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा है। तो मोहन जोदड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा होता है, सोच लीजिए, ठीक है। तो इसमें हमारा सही आंसर होगा धान्यागार। सबसे बड़ा भवन कौन सा होगा, धान्यागार, ठीक। आइए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी है। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि की अगर हम लोग बात करें तो यह अभी ज्ञात नहीं है। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कैसी है, अभी यह ज्ञात नहीं हुई है, ठीक है। देवी माता की पूजा संबंधित थी, देवी माता की पूजा किससे संबंधित थी। हमारे ऑप्शंस हैं आर्य सभ्यता के साथ, भूमध्य सागरी सभ्यता के साथ, सिंधु घाटी सभ्यता के साथ और उत्तर वैदिक सभ्यता के साथ। तो हमारा जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, कौन सी सभ्यता के साथ, सिंधु घाटी सभ्यता के साथ, ठीक है। अगले क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता के पत्तन नगर, ठीक, पत्तन बोले तो किसे बोलते हैं, बंदरगाह नगर, ठीक है। तो पूछ रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो पत्तन नगर वह कौन सा था। हमारे ऑप्शंस हैं कालीबंगन, लोथल, रोपड़ और मोहनजोदड़ो, आपको इसमें से बताना है। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है और बहुत बार एग्जाम में आया हुआ भी है। तो इसमें हमारा सही आंसर क्या होगा, हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक। पत्तन नगर कौन सा था, लोथल। लोथल कहाँ पे है, गुजरात में है, ठीक है। लोथल कहाँ पे है, गुजरात में, ठीक। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, सिंधु घाटी के लोगों की एक महत्वपूर्ण रचना निम्नलिखित में से किसकी मूर्ति है। एक रचना है जो सिंधु घाटी के लोगों ने किया और पूछ रहा है कि ये जो ऑप्शंस है इसमें से किसकी मूर्ति है, ठीक। तो हमारा सही आंसर होगा नृत्य करती हुई मूर्ति, क्या है, नृत्य करती हुई मूर्ति। अगला क्वेश्चन है हमारा, लोथल नामक स्थान पर निम्नोक्त सभ्यताओं में से किसका जहाजी मालघाट था, ठीक। तो आपको पता ही है अभी हम लोग कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हैं, सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ रहे हैं। तो जाहिर सी बात है इसमें हमारा जो सही आंसर होगा वो कौन सा होगा, सिंधु घाटी। मैंने आपको बताया था कि लोथल कहाँ पे है, गुजरात में, जो कि सिंधु घाटी सभ्यता का क्या है, पत्तन नगर या बंदरगाह है यहीं पे। नेक्स्ट बात करते हैं, मोहन जोदड़ो में सबसे बड़ी इमारत कौन सी है। मोहन जोदड़ो में सबसे बड़ी, अब देखिए मोहन जोदड़ो की बात आ गई है तो पहले कुछ क्वेश्चंस जान लेते हैं। मोहन जोदड़ो की खोज किया था 1922 में राखल दास बनर्जी ने, किसने किया था, 1922 में राखल दास बनर्जी के द्वारा की गई थी। और अभी यह कहाँ पे है, यह है पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिले में। कहाँ पे है, जिले का नाम कभी कभी पूछ लेता है तो याद कर लीजिए, कौन से जिले में है, लरकाना जिले में। यहाँ पे क्या क्या प्राप्त हुआ था, तो विशाल स्नानागार, सभागार,
अन्नागार, ये सब अवशेष प्राप्त हुए थे। और इनमें से मैंने आपको बताया कि मोहन जोदड़ो का जो अन्नागार था वह सबसे बड़ी आकृति थी, ठीक है। और यहाँ से पुरोहित की मूर्ति, कांस की एक नग्न नर्तकी की मूर्ति भी मिली थी, ठीक। तो हमसे पूछ रहा है कि मोहन जोदड़ो में जो सबसे बड़ी इमारत कौन सी थी, ठीक। तो सबसे बड़ी इमारत हमारा कौन सा था? ग्रेट ग्रैनरी। सबसे बड़ी इमारत कौन सी है? ग्रेट ग्रैनरी। नेक्स्ट बात करते हैं सिंधु अर्थव्यवस्था का ताकतया। सिंधु सभ्यता जो थी वो पूछ रहा है कि इनकी जो इकोनॉमी थी इसका ताकत क्या था? क्या यह कृषि करते थे, व्यापार करते थे, मिट्टी के बर्तन बनाते थे, या बढ़ईगिरी? तो इसमें जो हमारा सही आंसर है वह यह है कि कृषि। सिंधु सभ्यता के लोग क्या करते थे? कृषि करते थे, ठीक। अगला क्वेश्चन हमारा, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? हमारे ऑप्शंस हैं विष्णु, पशुपति, ब्रह्मा और इंद्र। तो हमारा सही आंसर क्या होगा इसमें से? पशुपति की पूजा करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? पशुपति की, याद रखिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं हड़प्पा टीले का सर्वप्रथम उल्लेख किसके द्वारा किया गया? तो हड़प्पा टीले का सर्वप्रथम उल्लेख किया गया था चार्ल्स मैसन के द्वारा। किसे किया गया था? चार्ल्स मैसन के द्वारा। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सर्वप्रथम उल्लेख हड़प्पा टीले का किसके द्वारा किया गया था? चार्ल्स मैसन के द्वारा। मोहन जोदड़ो का उत्खनन कार्य कब हुआ था? तो मैंने आपको बताया कि मोहन जोदड़ो का उत्खनन कार्य कब हुआ था? 1922 में राखल दास बनर्जी ने किया था मोहन जोदड़ो का उत्खनन कार्य, ठीक। नेक्स्ट बात करते हैं पहली बार कपास उपजाने का श्रेय किस सभ्यता को जाता है? कपास की बात की जा रही है, ठीक है। तो कपास उपजाने का श्रेय जाता है सिंधु सभ्यता के लोगों को। किसे जाता है? सिंधु सभ्यता के लोग कपास उपजाने का श्रेय जाता है, ठीक है। कपास को देखिए सिंडन भी कहते हैं, इसीलिए सिंधु सभ्यता को क्या कहते हैं? सिंडन भी कहते हैं, ठीक। सिंधु सभ्यता को क्या कहते हैं? सिंडन। नेक्स्ट बात करते हैं सिंधु सभ्यता के लोग किस धातु से अपरिचित थे, ठीक। अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी से बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो सिंधु सभ्यता के लोग लोहे से अपरिचित थे। किससे अपरिचित थे? लोहे से। नेक्स्ट बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता में तराजू कहाँ से पाया गया? सिंधु घाटी सभ्यता में तराजू कहाँ से पाया गया है? इसमें जो हमारा सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। कैसे याद करेंगे ये बताइए। जब ये बंदरगाह है, ठीक, लोथल क्या है? पत्तन नगर है सिंधु घाटी सभ्यता का, ठीक, या एक बंदरगाह है, तो जाहिर सी बात है यहाँ से ट्रेड तो होता होगा, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि बंदरगाह से क्या होता है? ट्रेड होता है, व्यापार होता है। तो जहाँ व्यापार होगा तराजू वहीं तो मिलेगी। अब जहाँ खेती होगी वहाँ मिलेगी कुल्हाड़ी, जहाँ व्यापार होगा वहाँ मिलेगा तराजू। तो कौन सा हमारा सही आंसर होगा? ऑप्शन नंबर ए। आइए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य भोजन क्या था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य भोजन था गेहूं और जौ। क्या है? गेहूं और जौ इनका मुख्य भोजन था। नेक्स्ट बात करते हैं मृतकों का टीला किसे कहा गया? इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ठीक। अगर आप लोगों ने मोहनजोदारो मूवी देखी होगी तो उसमें भी इसके बारे में एक बार बात की गई थी, ठीक। तो पूछा हमसे कि मृतकों का टीला किसे कहा जाता है, तो वो मोहनजोदड़ो को कहा जाता है मृतकों का टीला। किसे कहा जाता है? मोहनजोदड़ो को, मृतकों का टीला। आइए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि हड़प्पा का कुल क्षेत्रफल कितना है? हड़प्पा का कुल क्षेत्रफल कितना है? थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, कोशिश करिए, आपको पता होगा। 13 लाख वर्ग किलोमीटर। हड़प्पा का क्षेत्रफल कितना है? 13 लाख वर्ग किलोमीटर, ठीक। नेक्स्ट बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल कालीबंगा कहाँ स्थित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल कालीबंगा। तो सबसे पहले अगर बात कालीबंगा की आ गई तो इसके बारे में थोड़ा डिटेल में जान लेते हैं। देखिए कालीबंगा की खोज अमलानंद घोष द्वारा की गई थी, कब? 1953 में, 1953 में। और अगर हम लोग बात करें कि यह कहाँ पे स्थित है, तो यह स्थित है राजस्थान में। कालीबंगा कहाँ स्थित है? राजस्थान प्रांत के गंगानगर जिले में स्थित है, ठीक है।
और जब उस समय सरस्वती नदी के तट पर था। कालीबंगा किस नदी के तट पर था? सरस्वती नदी के तट पर। अब ये तो आप लोगों ने जान लिया कि कालीबंगा कहाँ है? राजस्थान में। इसके अलावा और क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं कि कालीबंगा की खुदाई में क्या क्या चीज़ें मिली? तो देखिए, कृषि के साक्ष्य, ठीक, और जुते हुए खेत के प्रमाण। याद रखिएगा, कृषि के साक्ष्य के क्रम में जुते हुए खेत के प्रमाण कहाँ से मिले हमें? कालीबंगा से। याद रखिएगा, जरूर से, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और सात हवन कुंड के साक्ष्य, सात हवन कुंड के साक्ष्य और जूते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? कालीबंगा से। ठीक, नेक्स्ट बात करते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता में कितने नगर थे? अच्छा क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता में कितने नगर थे? तो छह नगर थे। कितने थे? छह नगर थे। ठीक, अगला हमारा, सिंधु घाटी सभ्यता में कितनी राजधानियां थी? सिंधु घाटी सभ्यता में कितनी राजधानियां थी? तो इसमें देखिए, कुल दो राजधानियां थी। सिंधु घाटी सभ्यता में कितनी राजधानियां थी? दो राजधानियां। नेक्स्ट बात करते हैं, हड़प्पा सभ्यता की, क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता युग की थी? तो कांस युग की थी। हड़प्पा सभ्यता किस युग? कांस युग की। हड़प्पा सभ्यता को कांस युगीन सभ्यता भी कहते हैं। चलिए, अगला क्वेश्चन है हमारा कि हड़प्पा सभ्यता की निवासी थे, हड़प्पा सभ्यता के निवासी कैसे थे? तो यहाँ के जो निवासी थे वो शहरी थे। हड़प्पा के निवासी कैसे थे? शहरी थे, गांव के नहीं थे वो लोग। काल का मुद्रा रूप से किया गया था। ठीक, क्या पूछा है? हड़प्पा काल कालीन जो मुद्राएं थी उनका निर्माण मुख्य रूप से किया गया था। और यहाँ की मुद्रा को क्या कहते थे? टेराकोटा। हड़प्पा कालीन मोहरे अधिकांशता बनी थी। जो मोहरे बनी थी वो किसकी बनी थी? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आया है कि हड़प्पा कालीन जो मुद्राएं थी वो किससे बनी थी? सिलखड़ी से। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात, कि निवासी किस खेल में रुचि रख, पैमानों की खोज में या सिद्ध करने और तौर से परिचित थे, और यह खोज हुई थी या कहाँ पे हुई थी? अब बताइए आप लोग, इसका तो आंसर सबको पता होगा, मैं पहले ही आपको बता चुकी हूँ। तो जो हमारा सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। माप तौल कहाँ पे होगा? बंदरगाह के साइड होगा। खोज कहाँ पे हुई थी? लोथल में। लोथल कहाँ पे पड़ता है? गुजरात में। नेक्स्ट बात करते हैं, सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलते हैं? जो मुद्रा है इसमें बात करते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की। इसमें कुल हम लोग 50 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ठीक है? फिर इसी तरह हम लोग एक एक टॉपिक उठाएंगे, पर्टिकुलर किसी टॉपिक पर उठाएंगे, और जितने भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन बन सकते हैं उनको इसी के तरीके से डिस्कस करेंगे। और अगर आप चाहते हैं कि इस तरह आपको यह सीरीज पसंद आई है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि हाँ इस तरह क्वेश्चन और पढ़ाए जाएं। ठीक, फिलहाल आते हैं टॉपिक पे कि हड़प्पा संस्कृति इस समय के किस देश पर काबिज नहीं थी? तो हमारा सही आंसर क्या होगा? ईरान पर काबिज नहीं थी, बाकी भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में फैली हुई थी हड़प्पा संस्कृति। ठीक, राखी गढ़ी भारत के किस राज्य में है? कालीबंगा राजस्थान में है और राखी गढ़ी है हरियाणा में।
राखी गढ़ी कहाँ पे है? हरियाणा में, याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। ठीक, नेक्स्ट बात करते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? तो सिंधु सभ्यता का जो सबसे बड़ा स्थल है वो है मोहन जोदड़ो। कौन सा है? मोहन जोदड़ो। मोहन जोदड़ो की खोज किसने किया था? राखल दास बनर्जी ने 1922 में। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे छोटा स्थल कौन है? सबसे छोटा स्थल है अल्लाह दीनो। क्या है? अल्लाह दीनो। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, हड़प्पा सिंधु घाटी सभ्यता में पवित्र पशु कौन सा था? सिंधु घाटी सभ्यता में पवित्र पशु था एक श्रृंगी बैल या कूबड़ वाला बैल, जिसे हम लोग कहते थे। ठीक, तो कूबड़ वाला बैल सबसे पवित्र पशु था। नेक्स्ट बात करते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थान से मिले अवशेषों से यह ज्ञात होता है कि वहां खेतों को हल से जोतने की प्रक्रिया प्रारंभ हुई थी? प्राप्त होता है हमें कालीबंगा से। आपको पता है ना कि जोते हुए खेत का प्रमाण कहाँ से मिला था? कालीबंगा से। कालीबंगा कहाँ पे है? कालीबंगा है हमारा राजस्थान में। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन हमारा, मांडा किस नदी पर स्थित है? मांडा नगर स्थित है चिनाब नदी पर। किस पर है? चिनाब नदी पर। हड़प्पा और मोहन जोदड़ो की खुदाई की अगुवाई खुदाई सर्वप्रथम किसकी अगुवाई में हुई थी? काफी इंपॉर्टेंट और बहुत ही इजी क्वेश्चन है। सर जॉन मार्शल। किसकी अगुवाई में हुई थी? सर जॉन मार्शल की अगुवाई में हुई थी। 1921 में शुरू हुई थी। दयाराम साहनी ने 1921 में हड़प्पा की खुदाई की थी। ठीक, और 1922 में राखल दास बनर्जी ने मोहन जोदड़ो की। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, वर्तमान में मोहन जोदड़ो कहाँ पर स्थित है? तो बताया था मैंने, सिंध, पाकिस्तान के लरकाना जिले में। ठीक, हमारा सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन हमारा, हड़प्पा की सभ्यता किस युग से संबंध, सॉरी, अगला क्वेश्चन हमारा, हड़प्पा वासियों ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग करना प्रारंभ किया था? ठीक, तो हड़प्पा वासियों ने तांबा का प्रयोग किया। सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया था? तांबे का। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, हड़प्पा की सभ्यता किस युग की सभ्यता थी? अब बताइए, हड़प्पा की सभ्यता किसी, एक क्वेश्चन एक बार आ चुका है, कांस युगीन। हड़प्पा सभ्यता कैसी थी? कांस युगीन सभ्यता थी। अर्थ क्या कालीबंगा का अर्थ है काले रंग की। ठीक है, तो ये थे हमारे कुछ क्वेश्चन। अब देखिए, कुछ जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है वो मैं आपको बता देती हूँ। ठीक, जैसे हड़प्पा की बात करें, अगर हम लोग एक बार आपका रिवाइज हो जाएगा। ठीक, हड़प्पा की बात करें तो हड़प्पा की खोज हुई थी 1921 में, जो कि किया था किसने? दयाराम साहनी ने। ठीक, और यह हड़प्पा है कहाँ? तो पाकिस्तान के मांट गोमरी जिले के रावी नदी के तट पर। हड़प्पा सभ्यता किस नदी के तट पर है? रावी नदी के तट पर। नेक्स्ट होता है जो हमारा सबसे इम्पोर्टेंट, वो है मोहन जोदड़ो। मोहन जोदड़ो की खोज हुई थी 1922 में, और इसकी खोज किया था राखल दास बनर्जी ने। और यह कहाँ है? तो यह पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिले में है, जबकि हड़प्पा मांट गोमरी जिले में है। ठीक, थर्ड था हमारा लोथल। लोथल को देखिए पत्तन नगर कहते हैं, जो कि गुजरात में है। आता है कि गुजरात राज्य किस नदी के किनारे है? तो भोगवा नदी के। गुजरात राज्य किस नदी के किनारे है? भोगवा नदी के किनारे है। ठीक, फिर है हमारा कालीबंगा। अब कालीबंगा से मैंने इंपॉर्टेंट आपको बताया था कि जूते हुए खेत के प्रमाण मिले थे। ठीक, फिर होता है चौहूदड़ो। ठीक, चौहूदड़ो से मनके बनाने का कारखाना मिला था। इसकी करने इसके बाद है हमारा बनावली। ठीक, बनावली के बारे में पढ़ा था। यहाँ से खिलौना मिला था। देखिए, यहाँ तो मैं आपको सारी चीजें पढ़ा दी, इसके अलावा आपको पढ़ाया गया है घटना चक्र का सार। ठीक,
पूरा जो घटनाचक्र में अब तक जितने भी हार्ड से हार्ड और इजी से इजी लेवल के जितने क्वेश्चन बने हैं सबको डिस्कस किया है। ठीक, तो आप लोग एंशियंट हिस्ट्री घटनाचक्र के सार में जाकर के देख लीजिए, पूरा मॉडर्न पूरा सॉरी पूरा एंशियंट पूरा मिडवेल खत्म हो चुका है और मॉडर्न भी आधा खत्म हो चुका है, उसको आप लोग देख लीजिए। तो एग्जाम में किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है उसका पैटर्न आपको पता चल जाएगा। और एक बार अगर आप लोगों ने क्वेश्चन आंसर के थ्रू पूरे सीरीज को खत्म कर लिया तो आई होप कि आपको अच्छी खासी हिस्ट्री का नॉलेज हो जाएगा। ठीक, तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करना ना भूलें। डेली अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।